Hello guys, welcome to part 2 NCERT exercise 4.1। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी 4 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो कि एक्सरसाइज 4.1 की हैं, और हम सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ आप क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बना के दिखाओ, बट हम क्या करेंगे, हम उसके साथ साथ क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे और कुछ यूनिक वे में करेंगे, कुछ सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे, देखेंगे कौन सा मेथड बेस्ट है, आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना नहीं चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दे आर सेइंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। हमें दे रखा है एरिया। एरिया क्या होता है, जो यहाँ पे ग्रीन शेड में आपको दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है ना। इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, दिस इज माय एरिया। अब आगे वो बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहते कि जो मेरी लेंथ है वो एक ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। अब देखो, ये मेरी लेंथ है रेक्टेंगल की, ये मेरी ब्रेथ है रेक्टेंगल की। अब वो कहते कि जो मेरी लेंथ है, अब लेंथ किसके इक्वल दे रखी है आपको, लेंथ कहते कि इज वन मोर, एक ज्यादा है, वन मोर एक ज्यादा, मोर मतलब प्लस वन, किससे ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, किससे ज्यादा है, ब्रेथ की ट्वाइस से। अगर मैं ब्रेथ को ट्वाइस कर दूं, मतलब टू टाइम्स कर दूं, मतलब कि टू भी कर दूं और उसमें वन ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास मेरी लेंथ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मेरी एल है ये किसकी इक्वल आई मेरे पास, वन प्लस टू बी के, ठीक है ना, इसके इक्वल आई है, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, सुनो दोबारा से क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, लेंथ क्या है, वन मोर है, किससे मोर है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, किससे, ब्रेथ की ट्वाइस से, ठीक है। तो ये मेरी लेंथ आई, ठीक है। आप इसको एक्स में भी ले सकते हो, आपकी विश है। अगर आप ब्रेथ को एक्स मीटर्स ले लो, तो यहाँ पे भी हम एक्स पुट करेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे ब्रेथ को क्या ले लूँ, एक्स मीटर ले लूँ, कि मेरी ब्रेथ जो है वो एक्स मीटर्स है, तो मेरी लेंथ किसके इक्वल आएगी, वन प्लस टू एक्स के, ओके। क्योंकि आपको हैबिट होती है अपनी इक्वेशंस को एक्स में देखने की, तो आपकी विश है, आप एक्स में लो, हमें मतलब आंसर से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया तो दिया हुआ है, जो चीज हमें गिवन है उसी को यूज करेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एरिया इज इक्वल टू 528। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया की जगह पे उसका लिखते हैं फॉर्मूला, जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो कि किसके इक्वल दे रखा है, 528। अब मेरी एल कितनी है, एल मेरी है 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, ब्रेथ मैंने क्या लेट करी, x मीटर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। अब ये किसके इक्वल दे रखी है, 528 के। इसको मल्टीप्लाई करें, देखो x मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 1 से एक बार 2x से, तो कितना आएगा, मेरे पास आएगा x प्लस 2x स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 528 इक्वल टू 0। इसको हम आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, x is 2x square plus x minus 528 is equals to 0। वैसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, हमें आगे ये नहीं बोला गया कि इनको सॉल्व भी करो। बट पेपर में थोड़ा ना ऐसा आता है कि हाँ जी सिर्फ क्वाड्रेटिक बनाओ, वो आपको सॉल्व करना भी पूछते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा इसको सॉल्व आप कैसे करें, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको जो इजी लगे आप वो यूज करना, और हम थोड़ा शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जल्दी कर सकता है, ठीक है। सो ये हमारा है पहला मेथड। ये सारे मेथड्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। मेरा पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, आप जाके एक बार वो भी चेक करिए अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है। वैसे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई बेस्ट कि आपको इजिली समझ आ जाए, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करना होता है, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके क्या आए मेरे पास, ये मेरी मिडिल टर्म जो कि है वन, कितना है मेरे पास, वन आना चाहिए।
और इनको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए मेरे पास a इंटू सी। ए क्या है मेरा 2, सी मेरे पास क्या है 528, नेगेटिव 528 माइनस है, इनका प्रोडक्ट मेरे पास कितना आना चाहिए सी। तो इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आएगा 056 नेगेटिव का। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं आपको। अगर तो आपकी कैलकुलेशंस तेज हैं, आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फास्ट है, तब तो आप ये मेथड पक्का प्रेफर करो, क्योंकि इससे थोड़े से आंसर ज़्यादा क्विकली आएंगे। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी स्लो है, अगर आप वीक फील करते हो कि मैं इतनी अच्छा नहीं हूँ इस मेथड में, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको ट्राई करते हैं कि हम कैसे करेंगे। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 156 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है ना, 1056 के फैक्टर्स बनाएंगे, कितना आएगा करते हैं। 2 के टेबल पे जाएगा सबसे पहले, कितना आएगा 528। फिर से 2 पे जाएगा तो कितना आएगा 26 और 4। फिर से 2 पे करेंगे, ऐसे करेंगे 132। फिर से 2 पे जाएगा 66। फिर से करते रहेंगे until we get R factor to be 1, 3 पे जाएगा 11 एंड देन फाइनली 11। देखो अब मैंने फैक्टर्स बना लिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हम ऐसे यहाँ से हम पेयरिंग बनाएंगे, हम ऐसे कुछ ना कुछ हम ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, दिस इज 3, वैसे नंबर्स को कुछ सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करके तो उनको 1056 आने ही वाला है। ठीक है ना, वो तो फॉर श्योर है। हमें मेनली ये चेक करना है कि वो जो दो नंबर्स हम सिलेक्ट करेंगे इनमें से, ठीक है ना, कि क्या उनसे प्लस या माइनस करके 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे पास फैक्टर्स क्या आए, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, मेरे पास 2 आ रहा है 5 times, मतलब कि 2 की पावर कितनी आ रही है, मेरे पास 5 आ रही है, मेरे पास एक 3 आ रहा है और एक 11 आ रहा है। ठीक है, इनके पेयर्स बनाते हैं, इनके फैक्ट बनाओ। अच्छा, अगर मैं 2 की पावर 5 ले लूँ और इसको ले लूँ, 33 आ रहा है, 2 की पावर 5 होती है 32। देखो मेरी तो ये फर्स्ट टाइम पे ही बन गया। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इनको अगर हम करते हैं माइनस तो मेरे पास 1 आता है। हाँ जी, अगर मैं 33 में से माइनस कर दूँ 32 तो मेरे पास 1 आएगा। और अब अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर क्या है मेरा 33 मल्टीप्लाई में माइनस 32, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, माइनस 1056। अगर आप ये चीज़ करने में थोड़े से तेज हो, ठीक है ना, देन इट्स वेरी गुड, वरना डोंट वरी, हम एक और मेथड सीखेंगे। ठीक है ना, तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इस केस में तो शॉर्टकट सीखते हैं कि ये नंबर्स फाइंड करने के लिए तो हमें तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। नंबर्स तो आपको थोड़े से हार्डवर्क के साथ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, पर लेकिन हाँ, फैक्टर्स लिखने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है कि हम फटाफट से देख के फैक्टर्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमें कॉमन वाला पार्ट ना करना पड़े। देखो मेरे पास ये इक्वेशन थी, क्या थी, 2x² + x - 528 = 0। मेरे पास नंबर्स क्या आए, 2x² + 33x - 32x - 528 = 0। अभी हमें यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, कॉमन लेंगे, x को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x + 33। अच्छा, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखो हमें पता होता है कि जो ब्रैकेट्स हैं बीच की सेम बननी चाहिए, मेरे पास यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 2x + 33 ही बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन लेंगे, एक तो हमें नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 नेगेटिव्स हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव के, एक ने हमने नेगेटिव को बाहर रख लिया। और हमें क्या बाहर रखना पड़ेगा, 32 में से क्या निकालें कि 2 बन जाए 16, -16 को हम रखेंगे। ठीक है ना, बाहर। अब ब्रैकेट्स हमारी सेम हो गई हैं, यहाँ से भी देख लो 16 × 33 करके देख लो कितना होता है, 33 को 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, दिस विल बी 528 ओनली। ठीक है ना, तो मेरे पास अब दो ब्रैकेट्स बन चुकी हैं, एक बन गया x - 16, एक बन चुकी है 2x + 33 = 0। बस अब एक बार हम फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक बार हम सेकंड ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो रखेंगे। यहाँ से x कितना आ जाएगा 16, यहाँ से x कितना आ जाएगा -32, यहाँ से x आ जाएगा -33/2। ठीक है ना, हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, और नेगेटिव को तो हम ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव वाली हमारी क्या होगी, हमारा आंसर साइड्स को हम नेगेटिव नहीं लेंगे, लेंथ है एक, वो लेंथ नेगेटिव तो होगी नहीं, तो मेरा आंसर कितना आया x का 16, तो मेरी ब्रेथ कितनी आ गई
16, so my b is equal to 16, l कितना आ जाएगा फिर उससे मेरा 1 plus 16 to the 32 जो कि कितना आ गया 33, ठीक है ना। अच्छा तो यार ये मेथड तुम्हें लेंथी लगा होगा, लंबा है, बड़ा है, डिफिकल्ट भी है, यस आई एग्री विद दैट। अच्छा पहले तो हम इसी का शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, ठीक है ना, कि ये हमें कॉमन कॉमन वाला पार्ट ना करना पड़े। अगर हमने इतना काम कर ही लिया है कि अगर हम ये दो नंबर्स, स्प्लिटिंग तो आपको करनी पड़ेगी, स्प्लिटिंग का शॉर्टकट नहीं है, स्प्लिटिंग अगर आप कर लेते हो आगे आपको ये कॉमन वाला पार्ट से इससे मैं बचा सकती हूँ कि आपको ये वाला पार्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है वो सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्या फटाफट से पेपर में आंसर लिख पाओ, कैसे करेंगे देखो, आपने दो फैक्टर्स निकाल ले, आपके पास दो नंबर्स, आपके पास क्या आ रहे हैं, आपके पास दो नंबर्स आ रहे हैं 33 और आ रहे हैं -32। आपने इतनी स्प्लिटिंग कर ली, बस अभी आपका आंसर आ गया है। अगर तो आपका आगे का कॉफिशियंट, अगर तो आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 होता है फिर तो काम थोड़ा और भी इजी है। यहाँ पे भी 2 है तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप पता है क्या करो, आप डायरेक्टली ऐसे लिखो, आपके पास एक्स ये आया 33, आप इसको सीधा लिखो x प्लस 33, ठीक है, ये आपका एक फैक्टर बन गया। आपका सेकंड फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 32, आपके ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होता फिर तो डायरेक्ट यही आंसर है हमारा, मतलब कि हमने ये वाले फैक्टर्स बना लिए कह लो। अगर 2 है तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब व्हाट विल आई राइट, हम लिखेंगे x प्लस 33 बाय 2 और दूसरा लिखेंगे x माइनस 32 बाय 2। ये अच्छा, इन दोनों को भी इक्वल टू जीरो रख दो एक बार, जैसे हम करते हैं इक्वल टू जीरो रख दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा x इक्वल टू माइनस 33 बाई 2, यहाँ से x कितना आ जाएगा इक्वल टू 16। हाँ जी ओके, तो देखो इससे हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ गया, मुझे ये कॉमन वाला पार्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड मैथड डिस्क्रिमिनेंट वाला, कि उससे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके चलो करते हैं डी। डी सबसे पहले हम निकालेंगे डी जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो हमारे पास बी क्या है मेरा यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए मेरे पास कितना है मेरा 2, सी मेरे पास कितना है 528 नेगेटिव का, तो ये प्लस बन गया। तो 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई करके 4 टू द 8, इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा एग्जैक्टली 2, सॉरी ये आएगा 4224। अच्छा मेरे पास डी कितना आ गया 4225, ये मेरा डी आ चुका है, ठीक है। हमारे पास अब रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो बी कितना है मेरे पास 1 माइनस 1 अंडर रूट। अब अंडर रूट निकालना तुम्हें फिर से प्रॉब्लम लग रही होगी कि भाई अंडर रूट इतने बड़े नंबर का कैसे निकालें, तो डोंट वरी यार, हमारे पास इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, हमारे पास वैदिक मैथ्स है जिसने हमें ये शॉर्ट ट्रिक दिया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स हम बताएंगे, ठीक है ना, कि 4225 का अंडर रूट कितना होगा, ठीक है। तो देखो पीछे हमारे पास क्या है 25, इसलिए मेरा काम हो गया आसान। ये जो ट्रिक है ये सिर्फ उस उन नंबर्स के लिए लगेगी जिनके पीछे क्या होता है 25 होता है, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ पे पीछे 25 है तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, आप क्या लिख दोगे 5। अब आगे मेरे पास आगे 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसका होता है, देखो ये 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है हमारे पास, है ना। तो जो इसमें से स्मॉलर नंबर है जो कि 6 है आप वो यहाँ पे लिख दोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे स्मॉलर नंबर 6। ये हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा कि ये किसी का मल्टीपल ना बनता हो, ऐसा हमेशा होगा, मतलब पक्का होगा कि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल ज़रूर होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता, हमेशा आएगा ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 55 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 5 का स्क्वायर लिखो 25, 5 से एक बड़ा नंबर ले लो 6, मल्टीप्लाई करो 30, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 3025। दिस इज़ अ शॉर्टकट, तो आप इसको अपने मन में ऑरली कर सकते हो कि 25 का स्क्वायर 25 किसका स्केयर होता है 5 का, 42 को लिख सकते हैं 7 6 42, तो स्मॉलर नंबर को ले लिया क्योंकि हम अंडर रूट कर रहे थे। जब हम स्केयर करना हो तो स्केयर के लिए आप एक बिगर डिजिट को चूज कर लो, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं वैदिक मैथ्स में, ओके।
सो नेक्स्ट, तो ये कितना है मेरे पास, मेरे पास ये आ गया 65 अपॉन 2 to 4। ओके, आगे तो काम आसान है, आपको करना आता है। क्या करेंगे, एक बार हम लेंगे प्लस का 65, एक बार हम क्या लेंगे माइनस का 65। नीचे क्या आएगा 4, 4 कितना हो गया ये, जब ये प्लस का है तो 64 अपॉन 4, यहाँ पे कितना आएगा -67 अपॉन 4। तो 64 अपॉन 4 कितना आएगा, कटिंग होके ये आ जाएगा इक्वल टू 16, और यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 67 ही 66 आएगा, सॉरी। तो 66 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, कटिंग होके इसकी कटिंग करेंगे ये आ जाएगा 33 अपॉन 2 ही आ जाएगा, कटिंग कर देंगे। देखो आंसर सेम आया 16, देखो आंसर सेम है ना, 16 और -32 आंसर सेम आया। विश आपकी कि आपको कौन सा यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू मी प्रेफरेबली तो आप ये यूज़ करो, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, अगर आप एक गैस नहीं माना चाहते, क्योंकि अगर आप स्प्लिटिंग करोगे और आपके पास टाइम की कमी है तो आपको थोड़ा गैस वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पेयर्स चूज करने पड़ते हैं, गैस करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है अगर आप फटाफट से कर लेते हो। ओके, सो विश इज योर्स, आगे करते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि वाई वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, कि जो हम हमेशा बोलते हैं कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, हमेशा यही बोलते हैं कि ना वन प्राइम है ना वन कंपोजिट है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है, डू यू नो दिस, थिंक अबाउट दिस। चलो आप सोचो, हम इसको वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि वन प्राइम नंबर क्यों नहीं कहलाता। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट टू है ये हमारा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले, जैसे कि अगर मैं काउंटिंग लिखूं 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 कंसेक्यूटिव हैं, 2 और 3 कंसेक्यूटिव हैं, 1 और 4 कंसेक्यूटिव नहीं है, बीच में एक डिजिट आ गया। जिन दो नंबर्स के बीच में कोई डिजिट ना आता हो उनको हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव, जैसे कि 3 4 4 5 100 110 sorry 101, ठीक है ना, तो उनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव। अब आप देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा एक नंबर का ही डिफरेंस होता है, मतलब कि अगर ये 1 है तो 2 1 से एक नंबर से ही बड़ा है, ठीक है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि लेट वन नंबर बी x, अगर आप एक नंबर को x ले रहे हो, अगर आप एक नंबर को x कंसीडर कर रहे हो, तो दूसरा नंबर क्या होगा, उससे एक बड़ा ही होगा। अगर मान लो आपने ये x ले लिया 3, अगर आपने 3x ले लिया, उसका कंसेक्यूटिव नंबर जो कि 4 है वो इससे एक बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देन अदर नंबर विल बी x प्लस 1, ठीक है, हमें नहीं पता x क्या है, x प्लस 1 क्या है, उसे नेक्स्ट नंबर प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, तो हमें x फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमें बोला है कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 306, कि अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूंगी x प्लस 1 से, मेरे पास कितना आने वाला है 306 आने वाला है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, फिर से हम दो मेथड्स देखते हैं इसके सॉल्व करने के लिए। चलो मेरे को तो स्प्लिटिंग इजी लग रही है करनी, तो वैसे करते हैं क्योंकि वो थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है। तो अगर तो आपको टेबल्स अच्छे से लर्न है तो आप थोड़ा ये फास्ट कर लोगे, ठीक है, वरना थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। स्प्लिटिंग के लिए पहले हम क्या करेंगे, 306 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 306 के क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 3 से करते हैं फटाफट हो जाएगा 102, फिर 2 से कर लेते हैं 51, फिर हम कर लेते हैं 3 से, फिर कितना आएगा मेरे पास 17। ओके, ये कर दिया मैंने, मेरे प्राइम फैक्टर बन गए 3 3 2 और 17। अच्छा ऐसे करते हैं, पहले हम ये दो नंबर्स लेते हैं और ये दो नंबर्स लेते हैं, तो 6, अच्छा ये तो लेने का मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्यों नहीं मतलब बनेगा, अगर मैं ये दो नंबर लूँ इसको लूँ, तो क्योंकि हमें
हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए, 1 चाहिए। ये तो बहुत बड़ा हो गया। हमें हमें चाहिए कि कोई साथ साथ के नंबरों का नेगेटिव नंबर्स हो, कोई ऐसा देखना पड़ेगा। 17 तो ऑलरेडी एक बड़ा डिजिट है। ऐसे करते हैं, हम छोटों को मिलाते हैं, देखते हैं कि क्या एक बड़ा डिजिट बन रहा है। 3 to the 6, 6 with the 18, देखो 18, wow, 18 और 17 बन गया। हमें यही तो चाहिए था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाए ऐसे कोई दो, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। अच्छा, मैंने यहाँ पे 17 को नेगेटिव क्यों लिया, देखो, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मेरा इनको माइनस करके मेरे पास क्या आना चाहिए, आना चाहिए प्लस 1। तो 80 बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी प्लस 1 आएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे होता है नेगेटिव साइन, अगर यहाँ पे होता है नेगेटिव साइन, तो मैं क्या करती, तो मैं बड़े को लेती नेगेटिव, छोटे को ले लेती पॉजिटिव, है ना, क्योंकि हम साइन किसका यूज करते हैं, बड़े वाले का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 17 को नेगेटिव लिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में तो कोई इशू है ही नहीं, हमें मल्टीप्लाई में तो देखते ही नहीं छोटा कौन है बड़ा कौन है, ठीक है ना। अगर आप मेरे नंबर फाइंड कर लें, कॉमन इनर स्टेप मिस करते हैं फटाफट से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 18 और लिख सकते हैं x माइनस 17। कॉमन लेके करके देख लो, आएगा यही। तो x कितना आ गया मेरे पास, माइनस 18, और यहाँ से कितना आ गया, 17। नेगेटिव नंबर है, हम इसको कंसिडर नहीं करते और इसको कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे तो हमें इंटीजर्स बोला गया है, तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, तो आप दोनों को ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप नेगेटिव 18 भी कंसीडर कर सकते हो और 17 भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि हमें इंटीजर्स बोला। अगर आपको बोला था नेचुरल नंबर, तो हम शायद नेगेटिव को कंसीडर ना करते, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, तो मेरा नंबर क्या आ गया, एक 17 आ गया, दूसरा क्या आ गया, 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 306 आता है, वो भी हमने देख ही चुके हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर्स देख रहे हैं, अगर मेरा एक्स कितना आ रहा है, माइनस 18, तो माइनस 18 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस 17। इनको मल्टीप्लाई करके भी मेरे पास कितना आने वाला है, यही आएगा, 306 आएगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं वैसे एक बारी, अगर किसी को नहीं पता, तो सारे नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी से लेके जीरो तक और सारे पॉजिटिव नंबर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इन सभी नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। रैशनल रैशनल नंबर को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, होल नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स, है ना, पुराना कंसेप्ट है। तो ये इजीली हमने कर लिया। अच्छा, अगर आप ये नहीं फाइंड करना चाहते एलसीएम लेके, स्प्लिटिंग नहीं करना चाहते, क्वाड्रेटिक लगा लो, ठीक है। ओके, तो क्वाड्रेटिक से करते हैं, क्या करेंगे हम, लगाएंगे डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरे पास क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4। ए मेरे पास 1 है, सी मेरे पास कितना है, माइनस 306। तो कितना आ गया, माइनस माइनस मिलके प्लस बन गए, 306 मल्टीप्लाई 4 24, 24 12 1224। तो ये कितना आ गया, 1225। अब देखो, हम फिर से अपने शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 25 है, किसका स्केयर होता है, 5 का। 12 को लिखते हैं 4th इधर, 4 और 3, तो हम लेंगे स्मॉलर नंबर जो कि क्या है, 3। तो आंसर कितना आएगा इसका, अंडरूट, इसका अंडरूट कितना आने वाला है, 35। तो अंडरूट डी कितना आने वाला है, 35। एडवांस में कर लिया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बी कितना है मेरे पास, 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस 35 अपॉन 2a। a कितना है मेरे पास, वो भी 1 ही है, ठीक है। तो बस एक बार हम लेंगे प्लस का 35, एक बार हम किसका लेंगे, माइनस का 35। ओके, 35 माइनस 1 34/2, जो कि कितना आ जाएगा, 17। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 36/2, जो कि कितना आ जाएगा, माइनस 18, ठीक है ना। वही सेम आंसर्स आ गए जो पहले आए थे। ओके, सो आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप कोई मेथड यूज करो, आप देखो आप किस पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो। एक मेथड लो, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है ना। पेपर में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको यही मेथड यूज करना है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करना है, क्वाड्रेटिक करना है, दिस इज योर विश। पर आप एक मेथड को अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि बार बार प्रॉब्लम ना आए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन है, रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर है। तो पहले तो हम रोहन को देखते हैं, ठीक है ना। रोहन है, लेट रोहन्स एज बी एक्स, एक्स वाई जेड जो मर्जी लो, ठीक है ना। हम रोहन की एज को एक्स ले लेते हैं।
अब जो इसकी मदर है वो 26 ईयर्स बड़ी हैं, ओल्ड हैं, मतलब बड़ी हैं. देन रोहन्स मदर इज कितनी हो जाएंगी वो, उनको हम लिख देंगे x प्लस 26 ईयर्स. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. देखो प्रोडक्ट तो लेना है हमें एजेस का, पर कौन सी एज का प्रोडक्ट लेना है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद. आज से 3 साल बाद तीनों की एज में 3-3 ऐड कर देंगे. यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद अगर ये x का है, 3 साल बाद ये x प्लस 3 का हो जाएगा. अगर आज आप 10 साल के हो, कल आप 3 साल बाद आप हो जाओगे 13 साल के. यहाँ पे भी हम प्लस 3 कर देते हैं, प्लस 3 करे पे कितना आ जाएगा? x प्लस 29 आ जाएगा. ठीक है, तो हमें इनका प्रोडक्ट लेना है. हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या करना है, हमें x प्लस 3 का प्रोडक्ट लेना है x प्लस 29 के साथ, जो कि हमें कितना दे रखा है 360. इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे. आप ये सीख चुके हो, आप लास्ट वीडियो में देखो अगर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने में आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है ना. तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 87 360. अच्छा अब लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, ये x वाला ये भी x वाला, दोनों x वाले इनको ऐड कर देंगे कितना आएगा, 29 प्लस 3 होता है 32, x प्लस 87 इसको इधर ले आएंगे माइनस 360 इज इक्वल टू 0. तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनने वाली है, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. ओके अच्छा अब इसको भी सॉल्व करेंगे. इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो स्प्लिटिंग से करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है. स्प्लिटिंग से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 273 के हमें पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है. 273 से करेंगे इसको तो कितना आएगा हमारे पास, 13 7 था हमारे पास 91 होता है. तो आई विल राइट हियर 7 13. ये तो मेरे प्राइम फैक्टर्स इजली बन गए. अच्छा मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पे 32. अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 21 और ले लूँ 13, क्या इनको प्लस माइनस करके 32 बन रहा है? नो नहीं बन रहा. और क्या नंबर्स ले सकते हैं फिर हम, चलो कुछ और ट्राई करते हैं. मेरे पास अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 है, 7 है, 13 है. मैंने इन दो का पेयर तो कर लिया, वो फेल हो गया. अब हम ऐसे करते हैं इन दो का पेयर करके देखें, ठीक है. 91 और 3 नो, ये भी फेल हो गया. 32 तो नहीं आएगा प्लस माइनस करके. ऐसे करते हैं इसको इरेज करते हैं और कोई और नए नंबर और दूसरा पेयर देखते हैं बना के, ठीक है ना. अच्छा इन दो कर चुके. अच्छा ऐसे करते हैं 3 और 13 का पेयर करते हैं कितना आएगा, 13 3 तो 39 और 7 इनको प्लस माइनस करके 32 आता है. हाँ जी इनको माइनस करने पे मेरे पास 32 आ जाएगा. वेरी गुड, मेरे पास पेयर बन चुका है. अब मैं डायरेक्टली फैक्टर्स में लिखूं, ठीक है, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, x प्लस 39 और लिख सकते हैं x माइनस 7, है ना, शॉर्टकट है ना. अगर तो मेरे पास यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 से डिवाइड करती, 3 होता तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देती. अभी 1 है तो नहीं डिवाइड करना पड़ेगा. ओके सो बट मेरा आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस 39 और x कितना आ गया यहाँ से 7. ओके अब एज तो नेगेटिव नहीं होती, मैंने एज ली थी x, एज तो नेगेटिव में नहीं होती ना, हम नेगेटिव में नहीं जीते. तो मेरा x कितना आ गया 7. जो रोहन है वो 7 साल का है और उसकी मम्मी 7 प्लस 26 33. ओके तो आगे करते हैं. आप नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन, ट्रेन कहाँ है हमारी. ओके अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस मेरे पास दे रखा है
480 किलोमीटर. ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम कर दी तो ऑब्वियसली वाला टाइम ज्यादा लगेगा. इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. क्या कहते हैं, अरे तो कॉमन सेंस की बात है ना, अगर आप अपनी बाइक एक्टिवा को स्लो चलाओगे तो आप लेट ही पहुंचोगे कहीं भी जा रहे हो. ठीक है, अब देखो मैं पहले निकालती हूँ टाइम. ओके, मैं टाइम कौन सा लगा रही हूँ कि जब हमने स्पीड कम नहीं की थी, नॉर्मल स्पीड पे चल रहे थे जब हम. ठीक है, तो मैं स्पीड को यहाँ पे कितना ले लेती हूँ, x किलोमीटर पर आर मैं ले लेती हूँ अपनी स्पीड. तो मेरे पास टाइम कितना आएगा जब मैंने स्पीड कम नहीं करी. तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम. तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उठ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो टाइम कितना आया मेरे पास, डिस्टेंस था 480 डिवाइडेड बाय स्पीड, जब मेरी नॉर्मल स्पीड थी. ठीक है ना, जब मैंने स्पीड को लेस कर दिया, अगर मैंने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दिया तो मेरा टाइम कितना लगेगा. ठीक है ना, अब मैं ये टाइम T1 था, ये टाइम T2 निकाल लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा. अब मेरी पहले स्पीड एक्स थी, अब मेरी स्पीड कितनी कर दी मैंने, अब मैंने एक्स किलोमीटर पर आवर से लेस कर दी, तो एक्स माइनस 8 लिखेंगे. ओके, एक्स माइनस 8. अब मेरे पास दो टाइम आ गया है, ये एक टाइम है जब स्पीड नॉर्मल थी, इस टाइम पे स्पीड कम थी. अब देखो सोचो, जब स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगा होगा, तो ये एक बिगर यूनिट हो गई थी, है ना. अब जब स्पीड नॉर्मल थी तो मेरे पास जो ये टाइम T1 है ये छोटी यूनिट होगी, मतलब कि दिस इज स्मॉलर यूनिट, ये छोटा है, ये स्मॉल है, और ये मेरे पास एक बिगर नंबर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, टाइम ज्यादा लगा था क्योंकि स्पीड कम थी. ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, मैंने ऐसा टाइम क्यों निकाला, मैंने टाइम इसलिए निकाला क्योंकि मुझे दे रखा था इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, कि वही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, मतलब कि मुझे इन दोनों का डिफरेंस दे रखा था, टाइम का डिफरेंस दे रखा था. तो मैंने क्या करा, दोनों टाइम निकाल लिए. ठीक है ना, अब मुझे उसका डिस्टेंस, दोनों टाइम निकाल लिए, अब मुझे उसका डिफरेंस तो दे ही रखा है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 480. अब मैं देखो डिफरेंस कर रही हूँ तो जो बड़ी यूनिट है उसको आगे रखेंगे, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 को आगे, पीछे क्या आएगा मेरे पास, तो डिफरेंस करना है, प्लस नहीं करना, डिफरेंस माइनस. ठीक है, माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितना दे रखा हमें, 3 आवर्स. तो ये मेरी बनी इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी क्वाड्रेटिक बनाते हैं. तो वो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे. ठीक है, एलसीएम हमेशा कैसे लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स की फॉर्म में है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम नीचे लिखते हैं. क्या करते हैं, नीचे हम लिखेंगे इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, और ऊपर क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या लिखूंगी, 480 एक्स माइनस 480 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 8 से इज इक्वल्स टू 3. ओके, फटाफट से इसको ओपन करते हैं, क्या आएगा, 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना आएगा, 0, 88, 64, 464 एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 38. ओके, नीचे मेरे पास क्या बनने वाला है, इनको मल्टीप्लाई करो. ठीक है, एक बार एक्सिस से, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे क्या आएगा, 3. ये तो एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो गए. ठीक है, मेरे पास क्या बन जाएगा, इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, आई विल राइट हियर, तो बनेगा 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x. तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इधर ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा ये भी, इज इक्वल्स टू 0. हम यहाँ से कुछ कॉमन ले पा रहे हैं, यस, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 3 को. 3 को कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0. 3 को कॉमन ले लिया, देखो 3 को मैंने कॉमन लिया, बाहर लिखा. अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस 3 को लिखा ही नहीं, इसको हम नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे डिस्क्रिमिनेंट लगाओ चाहे लगाओ क्वाड्रेटिक। तो ये आपका रहा छोटा सा होमवर्क, इसका आप आंसर निकाल लो, ठीक है। मुझे कमेंट्स करके बताओ कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। कमेंट करो, बताओ इसके क्या रूट्स निकलते हैं। ओके, अगर आपसे नहीं होता तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर हमें टेलीग्राम में ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। थैंक यू सो मच।